हाय ऋषि, भानु प्रताप एमपी, मैं अजय का पिता हूं। हेलो सर। तो ऋषि, सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद अजय डिप्रेशन में चला गया और उसकी वजह तुम हो। अजय की बचपन से पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा क्लास में फर्स्ट आओगे तो ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, ऐसे ही वादे कर करके उसको आगे पढ़ाया। धीरे धीरे फर्स्ट रैंक लाना उसका जुनून बन गया। आज तक उसके रास्ते में कोई नहीं आया। पहली बार तुम रास्ते में आए तो मैं ये कहने आया कि थोड़ा धीरे चलोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप अजय के पिता हैं। बेटे को फर्स्ट आते देखना सब चाहते हैं, पर इसके लिए किसी और को पीछे हटने के लिए कह देना वो गलत है। मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। आपके बेटे ने यही गलती की और अब आप कर रहे हैं। इतना चाहिए, हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारे पिता क्लर्क हैं, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक फ्लैट है। बोलो कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? शायद आपकी आदत है रोज का लेना देना। हाँ, अपनी कीमत बोलिए। आज से 5 साल बाद ब्याज के साथ दूंगा। अबे ओए, बात मान ले वरना। कौन था, किसने बोला? मैंने। वरना? वरना क्या करेगा? वरना क्या करेगा? कुछ नहीं, पहले बोल देते तो ये पिटते नहीं ना। बिना कुछ बोले इन्हें यहां से ले जाइए। तुम्हारे बेटे को भरोसा है कि तुम कुछ करोगे। उसको इस बारे में पता चला तो उसका तुमसे भरोसा उठ जाएगा। भरोसा तो बने रहने दो। कीमत सोच लेना, आज से ठीक 5 साल बाद